ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो नौवां अध्याय श्लोक संख्या 40। तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान के सुंदर रूप के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से वो पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के रथ में खड़े थे, उनके शरीर में कैसा लग रहा था, क्या उन्होंने दाहिने हाथ में चाबुक लिया था और उन्होंने लगाम पकड़ रखी थी। जितने भी लोगों ने उनके दर्शन किए वो भगवान के धाम में चले गए। तो भगवान के रूप के बारे में भीष्म पितामह बता रहे हैं श्लोक संख्या 40। ललित गतित गति विलासवल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पिता उरुमान कृतमनु कृतवत्या उन्मद अंधा प्रकृतिम अगम किल यस्य गोपवध्व। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ने व्रज धाम की रमणियों यानी कि गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। इस दृष्टांत से यह भी साबित होता है कि भीष्म पितामह एक सिंपल वॉरियर नहीं है, तो भगवान की गोपनीय लीलाओं को भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपियां जो है भगवान के प्रेम में सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त हैं। अर्जुन को भगवान अर्जुन के सारथी बने, लेकिन अर्जुन को भगवान ने फिर भी अपने बराबरी का समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं करी, समान स्तर नहीं दिया। लेकिन गोपियां जो है भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि प्रेम संबंध बराबर के लेवल पे आने पे होता है। क्योंकि गोपियों का प्रेम जो है भगवान से माधुर्य प्रेम संबंध है, माधुर्य लेवल पे है, जो कि एक फ्रेंडशिप के भाव से ऊपर है, एक पेरेंटल भाव से भी ऊपर है। ये माधुर्य भाव है जो कि उन्होंने निभाया। तो भीष्म पितामह इसको भी जानते थे। वो जानते थे कि किस प्रकार से रास नृत्य में अचानक से भगवान गायब हो जाते थे और सबको आकर्षित कर लेते थे और वो उनको ढूंढने के लिए निकलती थी। ये सारी चीज़ें भीष्म पितामह बता रहे हैं, जिससे साबित होता है कि भीष्म पितामह भगवान के वाकई में बड़े ही महान भक्त हैं, भगवान की एक एक लीला के बारे में जानते हैं। फिर भी साधारण व्यक्ति भीष्म पितामह के चरित्र से ये समझ नहीं पाता है। जिसने भीष्म पितामह की ये स्तुति नहीं पढ़ी होगी वो कभी भीष्म पितामह के करेक्टर को जान ही नहीं पाएगा। लोग कई सारे दोष लगाते हैं भीष्म पितामह के ऊपर कई बार, इसलिए कहते हैं कि वैष्णव की क्रियाओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि वैष्णव कब क्या कर रहे हैं। जब वो बोलते हैं उनके बोलने से उनके विचारों से पता चलता है कि वास्तव में कितने उन्नत भक्त हैं। पुंडरीक विद्यानिधि आपने जानते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि किस प्रकार से बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन ऐसा लगता था कि बिताते हैं, और गदाधर पंडित उनको देख के विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक भक्त ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में जरा से कृष्ण के विषय में एकाध भागवत से श्लोक बोला जाता है पूतना के उद्धार के ऊपर, और देखते ही देखते पुंडरीक विद्यानिधि जो है भाव में आ जाते हैं, अपने सारे कपड़े फाड़ देते हैं, सारे गद्दे वद्दे घर का सारा घर फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, रो के नीचे गिर पड़ते हैं। तब गदाधर पंडित को समझ में आता है ये तो महानतम भक्त है। इसलिए भक्तों के बारे में अनुमान लगाना, अटकलें लगाना ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीष्म पितामह के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और उनके मन का भाव उनकी इन स्तुतियों से पता चलता है कि वो किस लेवल के भक्त थे, जो कि मृत्यु के समय पर भगवान के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जब मृत्यु होगी तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे परिवार वाले हमारे सामने होंगे, तो हम उनसे यही बता रहे होंगे वहाँ पर लॉकर की चाबी रखी है, एक फाइल है, उसमें पासवर्ड है सारे, इतने की LIC है, इतने का ये है, यदि हमें समय मिला तो अपनी मौसी से मिलाना, ठीक से रहना, ये करना वो करना, करते करते एक हिचकी और ख़त्म। यहाँ पर भीष्म पितामह जो है भगवान की ग्लोरीफिकेशन करे जा रहे हैं, और यहाँ पर बोलते हैं गोपियों के और भगवान के बीच का प्रसंग जो कि सर्वोत्तम माना जाता है। अगला श्लोक में बोलते हैं मुनि गणा निरपवर्या संकुलई अंतः सदसी युधिष्ठराजसूय एषाम अहरणम उपपेद ईक्षणीय
मम दृशि गोचरा एष आवी आत्मा। ओके, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में करी थी। एक और घटना बता रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वो सर्वोत्तम भगवान है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी कहते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं युधिष्ठिर महाराज, जब महाराज जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ था तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ एक तरह से चक्रवर्ती राजा बनने के लिए घोड़ा छोड़ा गया जगह जगह कर, जिसने भी घोड़े को पकड़ लिया, चैलेंज किया, उसको लड़ना पड़ेगा। जिसने आत्मसमर्पण कर दिया वो सरकार का पार्ट बन जाएगा। ऊपर मतलब कि मेन राजा युधिष्ठिर रहेंगे, वो उनके अंदर का एक लोकल राजा बन जाएगा और इस तरह से कर वगैरह वसूल करेगा, और उसका कुछ हिस्सा युधिष्ठिर महाराज के पास जाएगा। ये सब करने का उद्देश्य यही था कि युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार में एक राज्य चलाएं और पूरे संसार में उन्हीं की योजनाएं चलें, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, पूरे संसार में धर्म की स्थापना हो। तो इस प्रकार से उसके उसको वक्त एक यज्ञ किया गया, सारे के सारे राजाओं को बुलाया गया उसके अंदर। और ऐसा बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि ऐसे यज्ञों को कराने के लिए अरबों रुपया लगता था। अब सोच सकते हैं कि संसार भर से न जाने कितने लोग आएंगे, राजा आएंगे, राजा कभी अकेले थोड़ी आता है, राजा के साथ पता नहीं कितने सारे और लोग आएंगे। हाँ, तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उस यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था, और ऐसे पुरोहित, ये सब करना आज की डेट में इम्पॉसिबल है। उस ऐसी सभा के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े राजा ही नहीं थे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए हुए थे, ऐसी सभा में सब ने एक मत से ये माना कि कृष्ण ही इस सभा में सबसे अधिक पूजनीय है, और कृष्ण की पूजा करी गई, भगवान के रूप में करी गई। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने घटना को याद रखा, अपने चित्त में रख लिया, जिससे मेरा भगवान में दिल हृदय बना रहे। जैसा हम अक्सर कहते हैं ना कि हमेशा याद रखिए कि दूसरों ने हमारे साथ क्या अच्छा किया है, भगवान ने हमारी कब कब मदद करी है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं, और जब जब कुछ गलती होती है, भगवान को ये मेरे साथ ही करना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ये भूल चुका होता है कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, भगवान ने, भक्तों ने उसके साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया है। हम अक्सर इसको भूल जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने उस घटना को चित्त में रखा, यानी कि ऐसी सारी घटनाएं हमें अपने चित्त में रखनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, कई बार हम लिखते हैं ना, माई लर्निंग्स, माई, और अपनी कमियां लिखते हैं, और दूसरों की ग्लोरिफिकेशन। हमारे साधना ऐप में भी आपको ऐसा दे रखा है कि आप इसको लिखिए। तो इस प्रकार से हम उसको चित्त में याद रखते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे अच्छा किया। उससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार पैदा होते हैं, दूसरों से प्रेम संबंध बनता है। इसलिए भगवान ने हमारे जीवन में न जाने क्या क्या किया है। हमें गुरु देने वाले भी भगवान ही हैं, हमें शरीर देने वाले भगवान हैं, अल्टीमेटली हम भगवान के ही अंश हैं। तो इसलिए हृदय में याद रखना चाहिए, जिससे कि हमारी भावनाएं हमेशा याद रहें। अक्सर हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कुंती महारानी की प्रेयर्स हम सुनते हैं और वो कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ थे, मेरा ध्यान भी आपके साथ था। तो भीष्म पितामह इस इंसिडेंट को याद रखना चाहते हैं, किस प्रकार अनेक अनेक राजाओं ने उनके सामने, ऋषि मुनियों के सामने, कृष्ण की राजसूय यज्ञ में भगवान की तरह पूजा हुई। हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हमारे गुरु को, हमारे भगवान को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको एक पोजीशन दी जाती है, तो हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भगवान से कितना प्रेम है इससे पता चलता है, क्योंकि भगवान की पूजा करी गई। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कहता है, क्या पूजा करते हो, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो ऐसी बातें करते हैं। हम जानते हैं कि वो पत्थर नहीं है, उस पत्थर के लिए लोग जानते हैं कितनी ड्रेसिंग प्लान करते हैं, कितनी पगड़ियाँ प्लानिंग करते हैं, एसी लगाते हैं, उनके लिए थालियाँ खरीद के लाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। इतना प्रेम होता है भगवान का, भगवान से, उनके विग्रह से, भक्तों का। लेकिन आम आदमी के लिए वो एक पत्थर होता है, यही फर्क है, क्योंकि उसका हृदय भी पत्थर होता है। उसके बाद बताते हैं कि तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मा कल्पितानाम प्रतिदृशम
एव न एकदा अर्कम एकम समाधिगता अस्मि विधूत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। अब अंतिम समय ऐसा लगता है कि बस सांस छूटने वाली है। भीष्म पितामह कहते हैं अब मैं एकाग्रता से, पहले उन्होंने भाव पैदा किया। देखिए दर्शन करना भाव के साथ तभी वो फलित होता है। यदि आप दर्शन करते हैं तो दर्शन करते हुए यदि आपके हृदय में भाव नहीं है तो दर्शन आपको वो लाभ नहीं देंगे। इसी तरह से दर्शन तो शिशुपाल भी करता था, दर्शन दुर्योधन भी करता था, लेकिन उनके अंदर वो भाव पैदा नहीं, भाव नहीं थे तो उनको लाभ नहीं मिला। इसलिए भाव पैदा करना बड़ा जरूरी है। इसलिए भाव पैदा करने के लिए श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हम किसी के बारे में सुनते हैं उतना उस व्यक्ति के बारे में भाव पैदा होता है। जितना हम उनका गुणगान सुनते हैं हमारा हृदय उनके प्रति फेवरेबल हो जाता है। इसी प्रकार का एक दृष्टांत मिलता है श्रीमद् भागवत में, जब माता देवहूति थी, एक कन्या थी वो, और उनके घर में आते थे जो कि स्वयंभू मनु की बेटी थी। उनके घर में नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कर्दम मुनि नामक एक महान मुनि की प्रशंसा शुरू करनी शुरू करी। उन्होंने उनकी इतनी प्रशंसा करी कि वो जो कन्या थी उनकी देवहूति, उनका उस ऋषि के प्रति लगाव हो गया उनके गुण सुन सुन के। और उन्होंने अपने पितरा से आग्रह किया कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो कि जंगल में रहता है। हाँ, ये तो राज संसार के राजा की बेटी थी, लेकिन जस्ट उनका गुणगान सुनने से तो उनके अंदर इतनी अट्रैक्शन हुई। और बाद में उनके पिता उनके ऋषि के पास लेके गए और विवाह संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से यदि हम गुणगान सुनते हैं तो हमारे संबंध अच्छे होते हैं। ध्यान रखिए, किसी की बुराई कहीं पर चल रही हो यदि हमारे कानों में पड़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे मन में कुछ कटुता आ जाएगी उसके प्रति, है ना। इसलिए जहाँ पर भी भगवान की बुराई हो रही हो, भक्तों की बुराई हो रही हो, ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमारा हृदय कठोर जाता है, हाँ, उसके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो रिलेशनशिप को ख़राब करता है। इसलिए भीष्म पितामह ने इतने गुणों के बारे में सोचा, सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोचा। अब कहते हैं अब मैं भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। अंत समय में जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, कोई डाउट नहीं करा। देखिए इस भागवत के श्लोक से कोई डाउट नहीं है कि कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। कोई अजन्मा कृष्ण भी तो है, ये कृष्ण तो जन्मा है ऐसा लोग कहते हैं। वो कह रहे हैं जो मेरे उन कृष्ण का ध्यान करना चाहता हूँ जो मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि आप में प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए किंतु सूर्य तो एक ही है, सबों के हृदय में है। यानी कि रावण के हृदय में भी थे लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं सुनी। हिरण्यकश्यप के हृदय में भी थे, हर असुर के भी हृदय में हैं, हर नास्तिक के भी हृदय में हैं, भक्त के भी हृदय में। भक्त अपने हृदय में भगवान के बारे में सोच सोच के रोता रहता है। वो कहता है भगवान आप कितने दयालु हैं, इतने दयालु आप हो कैसे सकते हैं, आखिर आपने कैसे कर दिया, मुझ जैसे निकृष्ट को खाने के लिए दे दिया, मुझ जैसे निकृष्ट पापी व्यक्ति को भक्तों के बीच में ले आए। हाँ, वो कृतज्ञता से रोता ही रहता है। हाँ, और दूसरे व्यक्ति एक नास्तिक है जो उसके हृदय में भगवान है लेकिन वो सुनता ही नहीं है। सबके हृदय में है लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि सूर्य को अलग अलग प्रकार से अनुभव किया जाता है। तो कह रहे हैं सभी के हृदय में है, मैं उन्हीं कृष्ण को जो मेरे सामने खड़े हैं, सामने भी खड़े हैं लेकिन सबके हृदय में भी है। तो ये उन्होंने आखिरी एक तरह से श्लोक बोला और भगवान पे ध्यान केंद्रित कर लिया जो सामने ही खड़े थे। सुत गोस्वामी कहते हैं कृष्णा एवं भगवती मनावाक दृष्टि वित्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश अंतश्वासा उपारमत। सुत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्म देव ने वाणी दृष्टि कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो इस प्रकार से भीम ने जो है अपना प्राण को त्यागा। ये है दिस इज कॉल्ड द डेथ। ये अंत समय में यहाँ पर उनकी डेथ हुई। किस प्रकार से उन्होंने जीवन पर्यंत भी भक्ति करी और मृत्यु के समय भी इस प्रकार वो भक्ति कर पाए। यदि उन्होंने जीवन पर्यंत भक्ति ना करी होती तो उन्हें गोपियों के बारे में कृष्ण का प्रेम के बारे में कैसे पता होता। इसका मतलब उन्होंने ये कथाएं पहले सुनी थी, आत्मसात करी थी, इसलिए मृत्यु के समय उन्हें गोपियों का भाव ध्यान आ रहा था और चीज़ें ध्यान आ रही थी।
इस प्रकार पूरे जीवन में भी उन्होंने भक्ति करी और अंत में युधिष्ठिर को प्रवचन देने के बाद उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया भगवान के दर्शन करते हुए। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवते तृष्णीम वयन वयांसी इव दिन अत्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह से मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त हो जाने पर पक्षी मौन हो जाते हैं, एकदम साइलेंस हो गया, स्तब्ध हो गए, जैसे कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, कभी सदमा लग जाता है, ये क्या हो गया। इतने महानतम भक्त के जाने पर दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि वो व्यक्ति भगवान के पास वापस चला गया, और दुख इसलिए है कि व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। तो सब स्तब्ध रह गए, आंसू भी नहीं भा पाए, सोच नहीं पाए क्या हो गया। सारी तरफ वहां पे ऐसा मौन हो गया जैसे क्या बता रहे हैं, जैसे दिन समाप्त होने पर सब कुछ शांत, दिन पर पक्षी ची ची चा चा ची ची चा चा, साथ साथ शाम होने पर एकदम मौन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ सब शांत हो गया। एक महान भक्त के जाने का दुख सब फील कर रहे थे। तत्र दुंदु भय नेदु देव मानव वादिता ससंसु साधवाराज्ञाम खात पेतु पृष्ठवृष्टया। उसके बाद मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए। जैसे मैंने बताया, खुशी भी है और दुख भी है, लेकिन अल्टीमेटली तो खुशी है, क्योंकि उन दूसरे की खुशी हमारी खुशी। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे उसके चरित्र पे कुछ नुकसान आए या उसको उसको कुछ दुख हो। तो हमने भीष्म पितामह से, इन्हें प्रेम था अल्टीमेटली, इन्होंने देखा कि वो भगवान के धाम में चले गए, तो सबने नगाड़े बजाए। निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये कहते हैं एक एक बहुत बढ़िया इनिंग, एक बहुत बढ़िया वंडरफुल प्ले, हाँ उन्होंने इनेक्ट किया, उन्होंने अपना एग्जीक्यूट किया जैसा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। उनका पूरा जीवन त्याग और समर्पण का था, शुद्धता का था। तो उनके वापस जाने पर पुष्पों की वर्षा हुई, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने कितना धन कमाया, है ना, मृत्यु के समय पर, क्योंकि मृत्यु के समय पर आपका धन क्या कर लेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग आपको आपके लिए रोते हैं, कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितने लोग जब आप जा रहे हैं तो कितने लोगों का हृदय बह रहा है, तरल हो रहा है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सारे राजऋषि सारे राजा स्तब्ध खड़े हैं, और फिर उनके लिए उनके सम्मान में नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, उनके शरीर को छू छू के प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। ये इसको कहते हैं उपलब्धि, इसको कहते हैं सक्सेस। आज की डेट में सक्सेस का मतलब है बैंक में बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, कारें कितनी है, कितने लोग आपको जानते हैं, जान पहचान कितनी है। वो जान पहचान वाले आपकी मृत्यु पे आते हैं, हमने देखा है कई बार किसी व्यक्ति की, नेता की, बड़े की मृत्यु आती है, लोग तो उसमें भी बहुत आते हैं, लेकिन लोग क्या करते होते हैं, सब लोग वाइट वाइट कपड़ों में पहन के आएंगे, दो लोग बैठेंगे इधर से, कल वहाँ जाना है यार, कितनी देर लगेगी यहाँ पे, बस आधा घंटा आधे घंटे में निकलते हैं यहाँ से, ओके चल ठीक। कोई अपना इधर बिजनेस की चर्चा कर रहा है, कोई बस वहाँ पे आया है दिखाने के लिए, हाँ जी बहुत दुख हुआ, चलो क्या कर सकते हैं जी, चलो चलते हैं, ओके जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा तो नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आते तो बहुत लोग हैं, जानते तो बहुत लोग, लेकिन कितने लोगों के हृदय से आंसू आते हैं। कई जैसे मैंने कई बार माता आती है एकदम से बाहर आती है गेट में, शक्ल वगल देखते लिपस्टिक ठगी, अंदर आते ही हाय हाय अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे रोए, थोड़ी देर बाद बाहर जाके आंसू पोंछ के फिर शीशा वीशा देखा और चले गए। ऐसा ये बनावटी प्यार, हाँ ये आपको क्या सुख देगा, सुख देगा आपको इस प्यार ने जीते जी भी हमें कहाँ सुख दिया। इन लोगों का प्यार अगर हमें जीते जी सुख देता तो फिर बात ही क्या थी। आज हम कितने भी जान पहचान बना लें, कितने लोगों को जान लें, लेकिन हमारा हृदय खोखला ही रह जाता है उस सच्चे प्रेम के लिए। इसीलिए लोग जब भक्तों के जीवन में आते हैं, भक्तों के पास आते हैं, तो कहते हैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। आप पूछिए जो लोग भी भक्तों के क्लोजली टच में आते हैं, वो कहते हैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा जीवन में, क्योंकि जानता है कि यहाँ पे सच्चा प्यार मिलता है। और इसी प्रकार यही हमारी कमाई है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, और ये कमाई आती है कृष्ण से प्रेम करके। जब हम कृष्ण से प्रेम करना जानते हैं, तब हम संसार में हर किसी से प्रेम करना वास्तविक रूप से जानते हैं।
और इस प्रकार हमारे जाने पर अनेक अनेक लोग रोते हैं, जैसा भीष्म पितामह के, या आदर प्रकट करते हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। हे भृगुवंशी तस्य निहरणम आदिनी संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठरा कारयित्वा मुहूर्तम दुखिता अभवत। हे भृगुवंशी शौनक, हाँ शौनक ऋषि के लिए बोल रहे हैं, सुत गोस्वामी शौनक को बोल रहे हैं, भीष्म देव के मृत देह का श्रद्धा संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। पहले से ही शोक में थे, भीष्म देव के ज्ञान के कारण उनके अंदर कुछ चेतना तो आई थी। क्या चेतना आई थी? कि पहले तो तुम जिम्मेदार नहीं हो, हर चीज का नियंता भगवान है, पहले यह समझाया भीष्म पितामह ने। फिर क्या समझाया? कि जिसने भी प्राण त्यागे, भगवान के दर्शन करते हुए त्यागे, उन्होंने परम गति को प्राप्त किया, इसलिए डोंट वरी। लेकिन भीष्म पितामह के जाने का दुख अब उनको हो गया था, उनका अंतिम संस्कार किया लेकिन शोकाभिभूत हो गए। शोकाभिभूत होना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग इंसान हैं, है ना, हम लोग वैष्णव के जाने पे हम देखते हैं किस प्रकार से शास्त्र बताते हैं, श्रीनिवास आचार्य के जाने के बाद रामचंद्र नरोत्तम एक एक करके वो देखते हैं, हम सुनते हैं, जब जाते गए इतना विरह उन्हें महसूस होता है भक्तों के जाने का, तो उन्हें इतना विरह महसूस हुआ कि वो दुख में आ गए। तब मुनियों ने क्या कहा उनको, तुष्टुवा मुनया हृष्टा कृष्णम तत गुह्य नामा नाम भी तथा ते कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रययु पुनः। तब वहाँ समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया, वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। दुख को मिटाने का भी तरीका यही है कृष्ण का नाम, सुख में अपने आप को संभालने का तरीका भी है कृष्ण का नाम, कृष्ण का ध्यान। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा दुख में आ गए थे, सब लोगों ने वहाँ पर भगवान का वैदिक मंत्रों से उनका आह्वान किया, उनको स्मरण किया, और स्मरण करके उनका हृदय शांत हुआ और सब अपने अपने आश्रमों को अपने कर्तव्यों को करने के लिए चल पड़े। यानी कि सारे ऋषि मुनि जो वहाँ पर उपस्थित थे भीष्म देव के सामने, वो सभी जानते थे कि ये जो साक्षात कृष्ण खड़े हैं यही परम भगवान। कितना सौभाग्य होगा उन लोगों का जो भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे और ये जानते थे कि ये भगवान है। उन्होंने वहाँ पर भगवान की स्तुति करी और अपने अपने आश्रमों में चले गए। अब समय है हमारा भी अपने अपने आश्रमों में जाने का, सोने का। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।